प्रदेश के विकास पुरुष दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 86वीं जयंती कांग्रेस के जिला मुख्यालय के कार्यालय तिलक भवन में संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। आपको बता दें कि चौधरी भजनलाल 36 बिरादरी के नेता थे और उन्होंने अपने जीवन काल में समान विकास किया और जनहितैषी के रूप में अपनी पहचान बनाई। चौधरी भजनलाल ने प्रदेश का समान विकास करवाते रहे, जिसके चलते पंचकुला हो या नागल चौधरी, हर तरफ उनके चाहने वाले थे और लोग उन्हें हमेशा विकास पुरुष के नाम से बुलाते थे। लोगों को कन्या भ्रूण हत्या नशाखोरी को लेकर संकल्प दिलवाया गया। कार्यक्रम के बाद गरीब परिवारों में फल व जरूरत का सामान वितरित किया गया। मैं बहादुर सिंह शर्मा, पूर्व चेयरमैन, आज चौधरी भजनलाल जी की 86वीं जयंती पर आज हम यहाँ भजनलाल जी की जयंती मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सभी ने अपने चौधरी भजनलाल जी के बारे में विचार रखे। और चौधरी भजनलाल जी एक बहुत महान आदमी थे, हरियाणा की राजनीति में एक किस्म से PhD कवाए गए वो, और सबसे लंबा पीरियड आज तक के इतिहास में हरियाणा में 12 साल और 8.5 महीने मुख्यमंत्री रहने का भी भजनलाल जी का कार्यकाल रहा है। चौधरी भजनलाल जी ने अपने ज़मीनी सत्र से राजनीति शुरू करी, मेंबर पंचायत से चुनाव लड़कर और हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के अंदर कृषि मंत्री तक के पदों पर रहे। चौधरी भजनलाल एक मिलनसार और एक सामाजिक आदमी भी थे। चौधरी भजनलाल जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में भी लोगों के घर में बैठकर, लोगों को बुला कर एक पंचायती तौर पर लोगों का आपस में फैसले करवाए। एक उनके अंदर राजनीति के साथ साथ सामाजिक ज्ञान चौधरी भजनलाल जी के साथ बहुत ज़्यादा था उनके पास। आज चौधरी भजनलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कुलदीप बिश्नोई जी भी आज पूरे हरियाणा के अंदर एक उभरते हुए नेता हैं। और हमने आज एक संकल्प लिया है कि जब हमारी पार्टी का हजका का कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस में विलय किया, हम सभी चौधरी भजनलाल जी के आशीर्वाद से, कुलदीप जी के सहयोग से हम कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती से खड़ा करेंगे। और आने वाले चुनाव के अंदर जो हमारे साथ BJP ने और ने धोखा किया, आज हम हमारे पुराने घर में वापसी की है और आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बना कर रहेंगे। मैं सुरेंद्र परमार जी, पूर्व जगह कैंडिडेट जो है दादरी विधानसभा हल्का, आज हम भिवानी में तिलक भवन में भजनलाल जी की 86वीं जन्मतिथि पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और सब ने हर्षोल्लास से उनकी जो है जन्मतिथि को मनाया तथा उनका आशीर्वाद लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसमें पूरे हरियाणा में हमारे जो है कार्यकर्ता साथी सोनिया जी के, राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे। जो कुलदीप जी ने जो सोनिया जी को, राहुल जी को वायदा किया है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पुनर्स्थापित करने में, अपना सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में तथा केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार भविष्य में होगी, ऐसा जो है सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है। ये सब जो भजनलाल जी के और हमारे जितने सीनियर नेता हैं उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि हम सब अपने घर वापसी आए हैं और सारे भाई एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।